हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी एयरफोर्स के एग्ज़ाम की। जैसे कि आपको अभी बोला है कि अप्रैल लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है एयरफोर्स का, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या कोरोना वायरस की वजह से एयरफोर्स एग्ज़ाम नहीं होगा या कोई इफेक्ट उस पर पड़ सकता है? ठीक है, इसमें आप अपनी भी राय दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू रखना। जैसे कि आप लोग सब जानते हो, दिन पर दिन जो है कोरोना वायरस का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है गाइस। ठीक है, जैसे 21 डेज का अभी लॉकडाउन चल रहा है जो कि 14 अप्रैल तक कुछ चलेगा। ठीक है, उसके बाद भी अभी डिपेंड करेगा कि आपका कोरोना का इफेक्ट देश में हमारे किस हद तक कंट्रोल हुआ है या किस हद तक बढ़ा है। ठीक है, उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम, जब एयरफोर्स ही नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो ऐसे में अभी तो कुछ लग नहीं रहा है, जैसे सुनने में ऐसा आ रहा है कि 3 मंथ्स या तक भी लॉकडाउन हो सकता है। ठीक है, तो फिर भी अभी जब तक एयरफोर्स का नोटिफिकेशन ना आए तो बिल्कुल भी कहीं भी आप अपना स्टडी कंटिन्यू रखना, क्योंकि घर में आप 24 घंटे हो गाइज अभी। ठीक है, तो बिल्कुल यही मौका है, एक समय पूरा प्रैक्टिस सेट, जितने मॉक टेस्ट सारे सॉल्व कर देने आप लोगों को। ठीक है, एग्ज़ाम कभी भी हो, अपनी तैयारी अपनी तरफ से पूरी आपको कंप्लीट रखनी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के उस पर भरोसे मत बैठना बिल्कुल भी इस समय, क्योंकि इस समय कंडीशन ऐसी चल रही है कि ये कोरोना वायरस का कुछ नहीं पता कब ये ख़त्म होगा। 2 महीने में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 21 दिन में भी जा सकता है, या 1 साल में भी जा सकता है। तो अभी कुछ ऐसा कह नहीं सकते गाइस। ठीक है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना, चाहे अभी का हो चाहे बाद का एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, पहले से ही आपको रेडी रहना है गाइस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जो काफ़ी मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट मैंने पहले बनाए हुए हैं, इंग्लिश के 11 प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपका एग्ज़ाम के। ठीक है, एंड फिज़िक्स के प्रैक्टिस सेट, 5 प्रैक्टिस सेट मैंने डाल रखे ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर एयरफोर्स के पेपर, जो कि आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताना, अगर आपका कोई डाउट होगा तो मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। एंड अगर आपको और कुछ चाहिए होगा तो ज़रूर बताना गाइस। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये था इस वीडियो में कि कोरोना वायरस की वजह से ये नहीं है कि आप कहीं ये सोच के बैठे कि एग्ज़ाम डेट पीछे हट जाएगा या उस पर कोई वो हो जाएगा। आप अपनी तरफ से जो है अपनी स्टडी जो है अपनी कंटिन्यू रखिए, 24 घंटे आप अभी घर पे हो, आपकी बॉडी भी रिलैक्स है और माइंड भी अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और अपना सिलेबस 2-3 बार रिविज़न कर लीजिए गाइज। ठीक है, क्योंकि इस बार का कॉम्पिटिशन अलग ही होगा आप लोगों का, जैसे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम जो है सारे कैंसिल हो गए लगभग। ठीक है, इसलिए अपना स्टडी जो है पहले से ही अपना प्रिपेयर रहिए गाइस। ठीक है, एग्ज़ाम कभी भी हो आपको बस फाड़ देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, अपना सहयोग बनाए रखना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करते रहना एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइस। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।